अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग चिकन करी बना रहे हैं। ये चिकन है, ये प्याज है, ये दही है, ये टमाटर है, ये मिर्ची है, ये हरी मिर्ची, कोथमीर और करिया पाक है, ये अदरक लहसुन और नमक, कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। इसमें हमने ऑयल डाला है गाइस, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, इसे हम लाल होए तक पकाएंगे। हमारी जो प्याज है वो पक रही है। हैदराबाद की फेमस चिकन कड़ी है, इसे हम अच्छे से भूनेंगे। देख सकते हैं प्याज थोड़ी सी लाल हो चुके हैं। प्याज थोड़ा सा लाल होने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। देखिए गैस, प्याज लाल हो चुके हैं, इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से भुनेंगे जब तक टमाटर भुने नहीं जाते, गल नहीं जाते। गल देंगे, इसे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड कर देंगे। देखिए गैस, इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक की कच्ची स्मेल गए तक हम इसे अच्छे से भुनेंगे। गैस से भुनना है हमें। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और कसूरी मेथी में ऐड कर देंगे हम। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए गैस, अदरक की कच्ची स्मेल चली गई है। इसमें हम मिर्ची ऐड करेंगे, फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम दही ऐड करेंगे। देखिए गाइस, इसमें हम दही ऐड कर रहे हैं, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। देखिए गाइस, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमने पानी ऐड करा है, फिर इसे हम ढककर रख देंगे। हम 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। देखिए गाइस, इसमें हमने पानी और ऐड किया है, गोल गलने के लिए, नरम होना चाहिए खाने के लिए। इसमें है हमारे मसाले ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी हैदराबादी चिकन कड़ी है, इसे हम ढककर रख देंगे चिकन गलने के लिए। हमारी जो चिकन है वो रेडी हो चुकी है, चिकन कड़ी हमारी जो रेडी हो चुकी है, हम इसे सर्व कर लेंगे। अच्छा, हम अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देख सकते हैं गाइस, इसे हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारी चिकन कड़ी रेडी हो चुकी है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।